की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के स्मैकडाउन के बारे में। और आज भाई फाइनली आज हमें चैंपियंस का फेस ऑफ दिखाई दिया, रोमन रेस और बिगी आ गए आमने सामने और शो के लिए हो चुका है एक बड़ा मैच ऑफिशियल। तो भाई पूरे शो को डिस्कस करने वाले, काफ़ी बढ़िया शो था, तो वीडियो एकदम इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को हम लोग देर नहीं करते, सबसे पहले ओपनिंग करते हैं अपनी ब्लड लाइन। रोमन रेस आते हैं, रोमन रेस के तो मुझे एक्नॉलेज करो, फैंस थोड़ों को बू करते हैं। पॉल एमन माइक लेते हैं, पॉल एमन कहते हैं कि देखो कैसे विन बैलर डर गया रोमन रेस से और उसकी वजह से उसने डीमन कैरेक्टर को उसको बुलाना पड़ा, क्योंकि भाई नॉर्मल विन बैलर से तो रोमन रेस हार गया भाई नहीं। और उसके बाद वो बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में कि ब्रॉक लेसनर डरता है रोमन रेस से। वो आया था मेडिसन स्क्वायर गार्डन के स्मैकडाउन में तो उसके आंखों में डर दिख रहा था रोमन रेस के आगे। और इसके बाद हमें क्या थिंग दिखा देती, जैसे वो बोल रहे होते तभी एंट्री होती है अपने नए WWE चैंपियन बिगी की। बिगी आते हैं, क्राउड अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और बिगी और रोमन रेस के बीच में फेस ऑफ दिखा देता है जहाँ पर चैंपियंस होते हैं रोमन रेस WWE यूनिवर्सल चैंपियन और बिगी अपने भाई चैंपियन। लेकिन खैर इन दोनों का हमें फेस ऑफ दिखा देता है। लेकिन उसके बाद क्या थिंग दिखा देती है कि वापस से एंटर होते हैं फिन बैलर आ जाते हैं अपने नॉर्मल वाले। और भाई उसके बाद हमें थिंग दिखा देती कि होता है एक टैग टीम एक्शन जहाँ पर इस बार का इस ओसोस हमें फेस करते हुए दिखाई देते हैं बिगी और फिन बैलर को। और भाई आपस से एक रैंडम सा एक टैग टीम मैच था और इस मैच के अंदर काफ़ी अच्छे नेटवर्क दिखाई देते हैं। और भाई इस मैच का एंड काफ़ी तगड़ा था, काफ़ी बड़े तरीके से मैच के अंदर एंडिंग होती है जब फिन बैलर और भाई जो बिगी है वो सेम टाइम पर ओसोस को लगाते अपना मुँह पे ही लगाते हैं बिगी एंडिंग। उसके बाद फिन बैलर अपना कूड़े क्रॉस और मैच के अंदर फिन बैलर और बिगी हमें जीते हुए दिखा देते। तो वेले काफ़ी अच्छा टैग टीम मैच था। लेकिन उसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट आता है रोमन रेस एंड पॉल हेमन का। रोमन रेस फिर एक बार बात करते, देखो पॉल हेमन क्या तुम्हें पता था कि समझ में आने वाला है ब्रॉक लेसनर? पॉल हेमन कहते कि भाई देखो मुझे कुछ पता नहीं था। और रोमन रेस कहती कि मैंने तुझे बैठा है इसलिए क्योंकि तुझे पहली सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या ब्रॉक लेसनर एक्सट्रीम रूल्स में भी आ सकता है? पॉल हेमन का इसके ऊपर कोई जवाब होता नहीं। लेकिन उसके बाद बैक स्टेज पॉल हेमन होते कीला ब्रेक्सटन के साथ, कीला ब्रेक्सटन पूछती कि क्या ऐसा लग रहा है कि क्या ड्राफ्ट में ब्रॉक लेसनर मंडे नाइट रॉ जाएंगे? उसके बाद वो कहते कि ये तुम्हारी जो है प्रेडिक्शन सब गलत है। उसके बाद वहाँ पर से आते हैं बिगी वैसे गाइस बात करते हैं कि मैं चैंपियन हूँ। तो पॉल हेमन कहते देखो अच्छा तूने डिसीजन लिया, रोमन रेस के ऊपर कैश इन नहीं किया वरना तेरा कैश इन फेल जाता। और बी कहते कि देखो मैं रोमन रेस को भी देख लूँगा सर्वाइवल सीरीज के अंदर, या फिर कोई अगर उस टाइम तक और चैंपियन होता है तब भी मैं उसे देख लूँगा। लेकिन पीछे से उस अटैक कर लेते और रोमन रेस ये चीज़ देख रहे होते और रोमन रेस भी वहाँ पर होते और खैर रोमन रेस वहाँ पर जमीन निकलते हुए दिखाई देते। उसके बाद आता है गैस, वो आता है रिक बुक वर्सेस रॉबर्ट रूड के बीच एक मैच। और भाई यहाँ पर से रैंडम सा ये भी एक सिंपल सा मैच था शो के ऊपर। मैच के एंडिंग के अंदर जो रिक बुक्स को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और एंडिंग के अंदर रिक बुक्स जीत जाते हैं। रिक बुक्स जीतने के बाद हमें क्या थिंग दिखाई देती कि वहाँ पर से आ जाते हैं अपोलो क्रूज एंड अब कमांडर अचीज और वो अटैक कर लेते हैं किंग नागामूरा एंड रिक बुक्स के ऊपर। और उसके बाद वो जो है अगले हफ्ते की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच के लिए भी करते हैं चैलेंज किंग नाकामुरा को। इसके बाद आता है गाइस एक मैच होना होता है केविन ओवेंस का, जो कि इस बार फेस करने होते हैं गाइस हैप्पी कॉर्बिन को। लेकिन हैप्पी कॉर्बिन पीछे से कर देते हैं अटैक और वही यही थिंग होती है कि केविन ओवेंस को जो है अटैक कर लेते। उसके बाद मैच तो ये होता भी नहीं और ऐसे ही मैच है खत्म होता है। मैच स्टार्ट होने से पहले ये ऐसे का ऐसे एंड होता और मैच ओपन भी होता और ये खैर कुछ चीज़ें होती है आज के स्मैकडाउन के अंदर। उसके बाद सेथ रॉलिंस का काफ़ी थाजो प्रोमो आता है, जो कि सेथ रॉलिंस कहती है देखो पिछले हफ्ते मैंने जो है एज को स्टॉर्म दिया, वो काफ़ी बड़ी थिंग थी मेरे हिस्ट्री के अंदर, करियर के अंदर काफ़ी बेस्ट चीज़ थी। एज को मैंने जब स्टॉर्म दिया, उसके गर्दन पर जब मैंने पैर रखा तो मुझे भाई काफ़ी अच्छी फीलिंग महसूस हुई और मेरा कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है अभी भी एज के साथ, या तो मैं उसे घसीट के लेकर आऊँ या फिर उससे मेरे पास आना चाहिए। तो बहुत डेफिनेटली ये काफ़ी बड़ी हिंट है इन दोनों का, डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर 100% मैच हो सकते हैं। एक और इनका चैप्टर लिखना अभी बाकी है और भाई ये मेरा ख्याल से काफ़ी बड़ी थिंग हमें आने वाले समय के अंदर स्मैकडाउन के अंदर दिखाई देने वाली। उसके बाद आता है एक टैग टीम मैच जहाँ पर टोनी स्टॉर्म एंड लिव मॉर्गन फेस करती है जेलिना वेगा एंड लिव मॉर्गन को। और इस मैच के अंदर हो जाती है डिस्क्वालिफिकेशन, काउंट आउट हो जाते हैं और इसके अंदर लिव मॉर्गन वाली टीम जो है जीत जाती है। उसके बाद सैमी ज़ेन फेस करती है इस बार डोमिनिक मिस्टीरियो का और इसके अंदर थिंग होती है कि रे मिस्टीरियो वहाँ पर होते
बैठे होते हैं और भाई मैच के अंदर हो जाती है अपने डोमिनिक की हार, और भाई रे मिस्टर ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके बाद कैसे आता है बेस्ट इससे सेगमेंट अपने फिन बैलर का, और फिन बैलर जो है प्रोमो कट कर रहे होते हैं और भाई वो बात करते हैं डीमन के बारे में, डीमन बैलर के बारे में, और वही हमें जो है उनका जो है अवतार का एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दिया डीमन फिन बैलर के अंदर, जो कि एक अच्छी चीज़ थी। और ये हमें प्रोमो दिखा देता है इस बार का इस हमें स्मैडो के अंदर। इसके बाद मेन इवेंट के अंदर आते हैं अपने बिग रेड मॉन्स्टर केन, जो कि आज ये जो शोता होता होम टाउन के अंदर बियांका ब्लेयर का, तो वो जो है बियांका ब्लेयर को इंट्रोड्यूस करते हैं। बियांका ब्लेयर आती है और वो कहती है कि देखो मैं मिलवॉकी के अंदर आई हूँ अभी फिलहाल, मैं यहाँ पर से फिर जब आऊँगी तो चैंपियन होके आऊँगी। और उसके बाद केन जो है कीवी देते हैं, जो कि एक नॉर्मल सी किस तरीके की की होती है तो मुझे पता नहीं, लेकिन बेकी लिंच आ जाती है। बेकी लिंच कहती है कि देखो तुम चैंपियन नहीं बन सकते हो क्योंकि असली चैंपियन तो मैं हूँ। और उसके बाद क्या होता है कि वो जो है हैंडशेक करती है, और हैंडशेक तो होता है लेकिन वो छोड़ते नहीं। और उसके बाद जो है बियांका ब्लेयर के ओडी देने की कोशिश करती है लेकिन वन हैंडेड स्लैम लग जाता है, और उसके बाद जो है बेकी लिंच वापस से निकलते हुए दिखा देती है। तो भाई वेल थोड़ी बहुत एंड मेरे ख्याल से डब्ल्यू डब्ल्यू कुछ अलग तरीके से बुक करनी चाहिए थी, लेकिन खैर जो भी हो स्मैकडाउन का एपिसोड काफी अच्छा था। लेकिन कैसे आज के बाद ये वाली वीडियो बस यही तक थी, वीडियो पसंद है तो आप वीडियो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल कौन था कि कैसे आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज की वीडियो बस इतनी थी, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।